తులసు తగారీ రకవారి పరమసు బటర చదబారి తినకార భయ మాటా మోహినాని జో తుమ సుఖ మానవ మనమాని మంగళ భవన అమంగళ హారి ద్రవహు సుదశరథ అజరతి మంగళ భవన అమంగళ హారి జపత నిరంతర శంభు. हनुमान जी महाराज माँ के सामने छोटा बच्चा बन गए, माँ को संदेह, माँ का संदेह मिटाने के लिए अद्भुत विराट हनुमान जी प्रकट हुए. सुवर्ण जैसा शरीर, धकधकता हुआ शरीर, सम्रांगण में शत्रु को भय दिखाने वाला स्वरूप माँ को बताया, माँ को संतोष हुआ. मगर हनुमान जी को लगा कि माँ के सामने बच्चे को इतना ओवर एक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा हनुमान जी को लगा, ये कुछ ज्यादा हो गया. अब स्वीकार लिया कि माँ सुनो माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु प्यार. हे मां, बानर में ज्यादा बल बुद्धि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैं तो बंदर हूं मां, मेरे में कुछ नहीं है. मगर यदि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है तो, प्रभु का आशीर्वाद है तो, जा पर कृपा मर राम जी की होई ता पर कृपा करे ऊ सब कोई जा को राखे साइया मार सके ना कोई बालन बाका कर सके. जिसको राम राखे उसको कौन चाखे, गुजराती के बाद राम राखे ने कौन चाखे. मगर राम रखवाला होना चाहिए. यहां एक अद्भुत उदाहरण दिया है कि प्रभु प्रताप ने गरुड़ ही खाए परम लघु व्याप. आहार की बात करें तो आपने पपेट शो देखा है? पपेट शो नहीं, पपेट आपने देखा नहीं, नहीं देखा. कठपुतली यूट्यूब में बताना बच्चे को, आपने देखा. ओके, तो उसमें क्या होता है, पपेट में दोरी से 10 आंगली पे दोरी पे अलग अलग वो हाथी घोड़ा राजा रानी जो भी लगे वो लेके आता है, वो पिट पिट बजाते और ढोलकी बजती है. देसी पपेट मां गामड़ा लो मजा आती. तो कई बार ऐसा होता है पपेट के ऐसा मूड आ जाता है, एक बार से कुत्ता लेके आता है और एक बार से शेर लेके आता है, फिर वो रमाता है, घुमाता है, नचाता है एक दूसरे को. मगर पपेट यदि चाहता है तो हकीकत में वास्तविकता में शेर कुत्ते को मार देता है. मगर यदि पपेटियन की इच्छा है तो कुत्ता शेर को, हमको ऐसा दिखता है कि कुत्ते ने शेर को मार दिया. तो यहां ऐसा उदाहरण दिया है कि प्रभु प्रतापते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल. लघु व्याल अर्थात सर्प, लघु अर्थात छोटा, और गरुड़ ब्याल को खाता है. ब्याल का शत्रु है, अरि का सर्प का शत्रु है. गरुड़ सर्प को मार देता है. मूलभूत रिवाज नीति नियति डेस्टिनी ये है कि गरुड़ सर्प को मारता है. मगर यदि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है तो छोटा सा ब्याल, छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है. तो बड़ा हो गया, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बड़ा हो गया मगर उसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो प्रभु तो, और ये तो प्रभु राम का प्रताप है, राम का प्रभाव है कि मैं इतना बड़ा आपको दिखा, तो ये तो राम की कृपा है. जो राम की कृपा होती तो छोटा सर्प भी बड़े गरुड़ को खा जाता है. मन संतोष सुनत कभी बानी भगति प्रताप देव देव बरसा. अब माँ को
संतोष हुआ कि बड़ा हुआ सार्थक है। कई बार लोग इतने बड़े हो जाते हैं अपनी माता को नहीं गिनते, पिता को नहीं गिनते, अपने गांव में नहीं आते। और ताड़ का वृक्ष देखा, खजूर का पेड़, ताड़ी ताड़ी हमारा दक्षिण गुजरात में है, आपने ताड़ी को है बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंछिन को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। वो कितना भी बड़ा, कितनी संपत्ति है, न सत्कर्म करता है, न गरीबों को देता है, न अनुष्ठान कराता है, न धर्म करता है, न खाता है, न दूसरे को खिलाता है, उस पैसे का क्या अर्थ? वो बड़ा किस काम का? फाटू भरी ने फतिया हमारा गुजराती दुआ, न खाए के खवड़ावे खजूर, इबदा माया ना, इबदा माया ना मजूर। अरे रे जो ने साचू सोरठियो भरे, वो बोलते बहुत एकत्रित करता है, फिर पूरा कोठी में दबा दबा के न खाता है न खिलाता है। और वैसे और 10 का 20 वो पकाते हैं ना, इंडिया में एफडी करता है तो वहां इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो 10 का 20, 20 का मिलियन, मिलियन का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, वो पकाने में पकाने में वो रोटी की तरह वो खुद पक जाता है, तो पैसा सब ऐसे पड़ जाता है। फिर वो सर्फ बनता है, अपनी संपत्ति खाई नहीं, किसी को खिलाई नहीं, और एकत्रित करके चला गया तो उसका जो जीव है वो उसमें रह जाता है। तो उसने कमाया किस काम का? सिर्फ माया की मजूरी की, न खाया न खिलाया न भोगता न दूसरे को दिया। तो एक विपरीत दुहा और भी है के फाटू फाटू भरी ने फदिया, ए खाए ने खवड़ावे खजूर, एवा मानसो एवा मानसो ये हजी मौजूद। अरे रे जो ने साचू सोरठियो बने, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि आता है तो प्रभु तुझे दिया है, ले जाओ खाओ मौज करो, कल किसने देखा। तो यहां ज्यादा हो गया तो हनुमान जी ने माफी मांग ली, माँ मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब तेरा है, दिया है तूने तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अंतिम कड़ी तन मन धन, तन अर्थात शरीर, मन अर्थात मुक्ति का खजाना, मन से मुक्ति मिलती है, मुक्ति और बंधन का खजाना। जो सुसाइड होते हैं उसमें व्यक्ति अकेला होता है और मन उसको मार देता है, खतरनाक है, इसलिए मन को अपने पास मत रखो, मन को प्रभु के चरणों में रखो, उसको सौंप के रखो, इसके खिते से बांध दो। ओ बैल अच्छा है मगर उसको नाथा नहीं है, नथरी नहीं डाली है तो बैल खतरनाक, एक खिते से बांध दो। तो एक बार कबीर जी घूमने गए भिक्षावृत्ति के लिए, तो कबीर जी बहुत सोचते थे, बहुत लिखा पद, बहुत लिखा, भगवत भक्त थे, अनन्य भगवत भक्त, मगर एक जगह देखा तो भिक्षावृत्ति करने गए तो माँ वो घंटी चला रही, गेहूं डालते हैं और बाहर व्हाइट व्हाइट निकलता है, बोले कलरिंग डालते व्हाइट व्हाइट क्यों निकलता है? थोड़े नजदीक गए दीक्षांत ही, माने का थोड़ी देरों की, दो मिनट में खत्म हो जाएगा, मगर बगल में जाके देखा तो ये जो गेहूं है उसका आटा बनता है, दो पहियों के बीच में जो आता है वो पीस जाता है। तो कबीरा रोने लगा, तो ये माँ को लगा कि ब्राह्मण हमारे घर पे, याचक हमारे घर पे क्यों रो रहा है। चलती चक्की देख कर गया कबीरा रो, दो पहियन के बीच में सबूत गया नहीं को। कबीरा रोने लगा कि संसार के चक्र में जो आता है वो पीस के
अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, गेहूं आटा बन जाता है। तो माने जल्दी जल्दी वो रड़ता हुए पंडित को देखा तो जल्दी जल्दी वो घंटला उठा लिया, ऊपर का पहिया उठा लिया। तो ऊपर का पहिया उठाया तो कबीर नाचने लगा, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। अरे महाराज ऐसे क्यों जा रहे हो? तो मां मुझे मेरा जवाब मिल गया। कबीर कहता है, कबीर ने देखा कि सब लोग, सब जितने भी गेहूं डाले गए सब नष्ट हो गए, मगर वहां जो खीटा था जिसके ध्रुव के ऊपर वो घंटी चल रही थी, उस घंटी के खीटे को जिसने पकड़ के रखा था उसको कुछ नहीं हुआ। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन रूपी खीटे को, सुमिरी सुमिरी उतरी भव पारा। भगवान का आश्रय जो करके रखेगा, करके रहेगा, भगवान को जो पकड़ के रखेगा, भगवान के खीटे को जो पकड़ के रहेगा, उसकी सरकमफेरेंस में या तो उसके नेटवर्क में, मोबाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो मगर वो वैलिड तब तक है जब तक उसका टावर का संपर्क है। जो खीटा लगाया ना गवर्नमेंट, एटीएटी वाला लगाते बड़ा खीटा, उसका एक रेडियस होता है, उस रेडियस में घूमो तो आपका मोबाइल काम का, वरना डबला गेम भी नहीं खेल सकते नेटवर्क। यहां भगवान हनुमान जी भगवती सीता से माफी मांगते हैं, बड़ा स्वरूप भी दिखाया और कहा कि मां आपकी प्रभु की कृपा, मां को संतोष, भक्ति और प्रताप, तेज और बल सब देख लिया। ये बलवान भी है, भगत भी है, प्रतापी भी है, तेजस्वी भी है। अब मां ने आशीर्वाद दिया। हनुमान चरित्र का अभ्यास करेंगे तो अब तक हनुमान जी महाराज का कोई बड़ा पराक्रम नहीं। तो जब तक मां से हम दीक्षित नहीं होते, मां की कृपा, मां अर्थात या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्ये नमो नमः। अब मां भगवती जगदम्बा ने, सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। जय जय गिरिवर, मां को याद कर लेते, मां आशीष दे रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय अम्बे मां मोरी, जय अम्बे मां, जय गौरी मां मोरी, जय गौरी मां। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवान। हे मां तू आशीष देने बैठती है तो व्यक्ति की पात्रता नहीं देखती। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो भूतात बलशील निधाना। हे हनुमान जी महाराज आप बलवान बनेंगे, जाओ आप शीलवान बनेंगे। बलवान और शीलवान दोनों साथ में नहीं होते, कई बार बलवान होते तो चरित्र नहीं होता है। बल दिया और बल के साथ शील अर्थात चरित्र, कितना भी व्यक्ति बलवान क्यों न हो चरित्रवान नहीं है तो उसकी कोई चीज नहीं। बल के साथ चरित्र का आशीर्वाद दिया और बाद में कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
करहु बहुत गुनायक छु। अजर और अमर किया। हनुमान जी महाराज आज भी ये कथा सुन रहे हैं यहां। अजर अमर है, मां का आशीर्वाद है, तब से ये अजर अमर हो गए। करहु कृपा प्रभु अश्विकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मां ने कृपा की, आशीर्वाद दिया, हनुमान जी महाराज राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। बार बार ना इसी पद शीशा बोला वचन जोर कर कीशा अब कृत्य कृत्य वयु में माता। हे मां अब मैं कृतज्ञ हो गया, अब मेरे से अच्छा भाग्यशाली कोई नहीं। आशीष तव अमोघ विख्याता। मां तेरा आशीर्वाद जग प्रसिद्ध है। एक बार तू जिसको दुआ दे देती है उसको इस जगत में कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। आशीष तव अमोघ विख्याता। मां की जिसके ऊपर कृपा हो जाए साहब, कोई भी क्यों ना आए उसका कोई बाल